चलो जी, एट द एंड एक बात तो है, अपना कबर्ड तो बंद हो गया और कुछ हुआ ना हुआ। वैसे मम्मी को जब मैंने दिखाया, मम्मी को काफी ज्यादा फनी लगा एंड मम्मी की हंसी छूट गई। बिना बेकार सेट करा भाई, मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत बढ़िया सेट करा है कबर्ड। But I'm so frustrated. एक ना बड़ी प्यारी, बड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारी कहावत है, जब किस्मत ही हो डैश तो क्या करेगा पांडू। और फिल इन द ब्लैंक्स, तुम लोग समझदार हो, आप भी कर लो भाई। मेरा ना अभी वही हाल हो रखा है। मैं ना बड़ी उम्मीदों से, बहुत उम्मीदों से उड़ीक रहा था भी जो वाईफाई वाले भैया है वो आ जाएंगे, मेरा जियो का नया प्लान, नया वाईफाई लगा जाएंगे। क्योंकि भाई हर प्रोसेस इतना फास्ट हुआ, इतना स्मूथ है, मेरे को लगा ये भी जल्दी हो जाएगा। एंड उन्होंने प्रॉमिस भी करा था भी आज के दिन में मेरा वाईफाई लग जाएगा। बट कहाँ, अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4:30 हो रहे हैं, 10 मिनट रह गए 4:30 होने में। एंड भैया जी का कॉल आ चुका है कि बाबू जी आज नहीं हो पाएगा, कल लगवा लो वाईफाई। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। अब फिर क्या था, सारी उम्मीदें चकनाचूर होगी, हमारे अंदर डिप्रेशन की ऐसे वेव आई एंड हमको हिट कर दिया उसने। वह तो क्या है ना, प्रॉमिस कर रहे हैं कल सुबह 11 बजे तक लग जाएगा। बट भाई क्यों क्यों क्यों, मैंने सोचा था भी ये ब्लॉग की तब शुरुआत करूंगा, इस ब्लॉग के इनिशियल मोन्टाज में ये दिखाऊंगा कि वो वाईफाई लग रहा है और वाईफाई की स्पीड 100 Mbps की बड़ी, वैसे तो अभी भी 100 Mbps ही इस वाले वाईफाई की, बट ये सारा चल ही नहीं रहा। बट चलो कोई ना, कुछ हो ना हो, वीडियो तो अब अपलोड करनी है तो लैपटॉप मैंने ऑन कर लिया, फटाफट फोन से वीडियो ट्रांसफर मारता हूँ एंड इसमें ऑन करता हूँ मोबाइल डाटा। वैसे मैं पापा का फोन भी लेके आ रखा हूँ, इसमें भी ठीक ठाक अभी नेट पड़ा है आई गेस। इसमें भी 250 GB पापा के एयरटेल वाले सिम में होएगा, 250 GB है इसमें। तो अगर मेरे फोन से ना हुआ फिर पापा का फोन जिंदा हुआ। अभी तो पहले यार मैं काम करूँ अपना अच्छे से, फिर तुम लोगों को अपलोड करके मिलता हूँ वीडियो। चलो जी, एटलीस्ट ये तो है कल की वीडियो अपलोडिंग पे, यानी कि तुम लोगों को कल की वीडियो मिले, आज की वीडियो अपलोडिंग पे तो लग चुकी है। वह तो 1 घंटा 17 मिनट शो कर रहा है, 12% अपलोड हो चुकी है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 258 MB। बट जिस हिसाब की स्पीड आ रही है ना, 1 Mbps की आई गेस हो जाएगी, तो टाइम ही बढ़ गया। पहले 1 घंटे 17 मिनट शो कर रहा था, अब तो 18 मिनट हो गए। बट चलो कोई ना, धीरे धीरे हो जाएगा। अब लोग लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाते हैं, फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, चुपचाप बाहर चलते हैं। अब तो फ्रेंकली एक बात बताऊं, मैंने ना पूरी 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 के मतलब 100% उम्मीद छोड़ दी, अभी हमारा वाईफाई इस हफ्ते लग जाएगा। अब वैसे तो भैया ने कहा था भी आज वाईफाई लग जाएगा, बट कल रात को जियो वालों को मैसेज आ गया कि 5 तारीख को लगेगा, यानी कि कल लगेगा मेरे लिए, कल वाईफाई लगेगा। एंड भाई बस कुछ नहीं कह सकते, ठीक है बस चली जा रहा काम, अब लोग जैसे जैसे सरवाइव कर पा रहे हैं। एंड मेरी कनेक्ट वालों से भी बात हुई थी जिनका मैं अभी वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, देवर सिंह की कल शाम तक ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं हुआ। वट एवर इट इज, अपन लोग अब क्या कर सकते हैं भाई, हम बिना वाईफाई के जी रहे, चुपचाप चली जा रहा है, जैसे तैसे करके वीडियो अपलोड हो रही है। बट चलो कोई ना, बैकग्राउंड वगैरह देखे तुम लोग समझ तो जरूर गए होगे, बी इट्स ऑफिशियली द नेक्स्ट डे। एंड ना यहाँ पे अब दुख हो रहा है यार, सही बता रहा हूँ, मेरे को इतनी ज्यादा उम्मीदें थी ना, इतनी ज्यादा कहने की हद नहीं, उम्मीद तो अभी भी है खैर, क्योंकि भैया ने कहा था भी आज के दिन में लग जाएगा, बट भाई अब कल जियो वालों का मैसेज आ गया तो क्या कर सकते हैं। तो चलो अभी तो अपन लोग फटाफट चल के नहा धोना निपटाते हैं, कुछ नहीं भरोसा अगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड भैया आ गए ना, भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं पार्टी दूंगा भैया को, मैं भैया को पास्ता खिलाऊंगा भाई, और क्या कह सकता हूँ कि शुक्रिया आपका, आपने हमारा वाईफाई लगा दिया। एक तो साला सिर्फ और सिर्फ ये स्वेटशर्ट ढूंढने के लिए, ये वाइल्ड क्राफ्ट की बढ़िया सी मेरी पुरानी ग्रे वाली स्वेटशर्ट ढूंढने के लिए मेरे को अपना ये वाला बड़े वाला आधा कवर्ड बाहर निकालना पड़ा, बाहर निकाल के यहाँ पे जैकेट से जानी पड़ी। एंड फिर भाई मेरे को पता चलता है भी ये जो ये स्वेटशर्ट है यहाँ पे घुस रखी,
और यार तुम लोगों को एक बार इस कबर्ड की हालत देख लो, इसमें लोअर भी इसी में ही है, सारी फ्लिसे भी इसी में ही है, जैकेट भी इसी में ही है। तो सोच रहा कि अपने पास और कुछ करने को तो है नहीं, इंटरनेट अब लोग ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि शाम को वीडियो अपलोड करनी है वाली, अगर भैया ने वाईफाई नहीं लगवाया तो अब लोग अभी इसकी सेटिंग ही कर लेते हैं यार अच्छे से। वह भी मम्मा बोल रहे थे कि तुमने खलेरा पा रखा है, अब इस खलेरे को समेटना भी हमने ही है, ज्यादा जैकेट भी नहीं है, जल्दी हो जाएगी। मेरे हिसाब से मुश्किल से 15 मिनट में अपन लोग ये सारी सेटिंग कर देंगे। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता अपन लोग को। भाई जितना मैं इस कबर्ड को, इस एरिया को सेट कर सकता था उतना मैंने कर दिया है। वह तो मेरे को ठीक ही लग रहा है, मतलब यहाँ पे डे टू डे वाली जैकेट है, यहाँ पे सारी प्रीमियम जैकेट, डेनिम जैकेट, स्वेटशर्ट एंड यहाँ पे ये यह थोड़ी हाफ स्लीव वाली हल्की जैकेट है, तो ठीक है यार मेरे हिसाब से तो ठीक है। बाकी ये तो मम्मा ही बताएंगे। बस कबर्ड बंद नहीं, कबर्ड बंद नहीं होएगा यार, ये जैकेट फंसने का डर रहेगा। इनको थोड़ा सा सेट, थोड़ी सी दिक्कत और है, इसको सेट करते हैं फिर तुम लोगों को अपडेट देते हैं कि हुआ कबर्ड बंद या नहीं हुआ। चलो जी, एट द एंड एक बात तो है, अपना कबर्ड तो बंद हो गया और कुछ हुआ ना हुआ। वैसे मम्मी को जब मैंने दिखाया, मम्मी को काफ़ी ज़्यादा फनी लगा एंड मम्मी की हंसी छूट गई, बिना बेकार सेट करा। भाई मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत बढ़िया सेट करा है कबर्ड। अब पता नहीं भाई, मम्मी की मम्मी जाने, हमने तो भाई अपने हिसाब से अच्छे से मेहनत करी है। मैंने यार कसम से एक चीज़ तो सोच ली है, भले ही आज का ब्लॉग एंड हो 5 बजे, चाहे 4 बजे, चाहे 3 बजे, अपन लोगों ने डेडिकेटेड डे से एक दिन पहले ब्लॉग शुरू नहीं करना। आराम से जो कल की वीडियो है उसको कल ही शुरू करेंगे, अंटिल और अनलेस आज शाम तक वाईफाई ना लग जाए, या शाम को जब मैं ब्लॉग एंड करूं उसके बाद वाईफाई लगे। पता नहीं यार, अभी वाईफाई वाले भैया को कॉल कर दो, उन्होंने तो हमारा कॉल काट दिया बड़े प्यार से। पर चलो कोई ना यार, वो भी बिजी हैं, हम भी ज्यादा ही फोर्स कर रहे हैं उनको, तो ठीक है अब चिल सी ना, अपन लोग फोर्स नहीं करेंगे, गो विद द फ्लो, सारा सिस्टम है आज का ब्लॉग, अपन लोग ऐसे ही अपलोड कर देंगे। बट चलो कोई ना, एनी विच वेज अभी जो है अपन लोग कमरा तो कबर्ड तो मम्मी खैर कुछ देख के ज़्यादा कुछ खुश हुए नहीं, एंड अभी जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सुबह के बज चुके हैं 11, तो अभी अपन लोगों ने जाना है मनसा देवी मार्केट थोड़ा बहुत काम निपटाने के लिए, तो फटाफट चलते चल के वो काम निपटा लेते हैं। एक तो साला ठंड में पहले हाथ ही नहीं काम करते, ऐसे अकड़े अकड़े से रहते हैं, ऊपर से चीजें भी जवाब देने लग जाती हैं। भाई कसम से सही बता रहे हैं, जो मेरा ट्राइपॉड है ना बड़ा फ्लेक्सिबल है, लेकिन जब से ठंडी आई है ना, सर्दियां आई है, इसका नट इतना ज्यादा टाइट हो चुका है साला, आसानी से ऊपर नीचे ही नहीं होता। ऊपर से पुंडी भी मेरे को लग रहा है जवाब देने, मतलब पुंडी की रेंज आजकल सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर रह गई, इससे ज्यादा नहीं चलती। बट चलो कोई नहीं, मनसा देवी कुछ ज्यादा दूर तो है नहीं हमारे घर से, तो 10 किलोमीटर की रेंज अपने लिए तो सफिशियंट है, तो 10 किलोमीटर की रेंज अपने लिए तो सफिशियंट है, तो फटाफट चलता है वहां से काम करते हैं वहां पे जो भी है। कोई बहुत और मार रहा है। भाई साहब अभी ना हल्की सी धूप निकली, बिल्कुल मध्यम सी, तो सारे दुकानदार जिनने भी इस एरिया के सारे बाहर निकल रहे, धूप से ही निकले, मतलब सही में इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, इतनी ज्यादा कह रहे हैं। बट चलो कोई ना, एट द एंड अपन लोगों का यहाँ का काम तो एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आई डोंट नो, इससे पिछला जो मैंने बोला वो तुम लोगों को समझ आया होगा नहीं, क्योंकि विंडोज बहुत ज्यादा आ रही थी, बट हाँ बस सिंपल सादी सी बात यह है, धूप जो है निकल चुकी है। अब तो फटाफट घर चलते हैं, घर पे मम्मी ने बढ़िया सा साग बनाया, साग खाएंगे, उसके साथ बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन भाई शरीर जम गया एकदम अच्छे से, जितने अच्छे से जम सकता था ना, हो गया कांड बस। भाई अभी अपन लोगों का ब्रेकफास्ट एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोपहर के 2 बज चुके हैं अभी। भाई मेरे को नहीं लगता, मेरे को नहीं पता जियो फाइबर अपना लगेगा नहीं लगेगा, पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं आइडिया, मैं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ, मतलब अनजान हूँ, सॉरी बेवकूफ कहा है, हम तो समझदार बच्चे हैं। सीन क्या है, अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपलोडिंग पे भी लगाना, अपलोडिंग में 2-3 घंटे लग जाएंगे तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। लेकिन
डेजिग्नेटेड डे से एक दिन पहले ब्लॉग, अगर आज शाम तक वाईफाई लग गया तभी कल का ब्लॉग आज शुरू होगा, नहीं तो कल ही शुरू होगा भाई, क्योंकि अब तो कल पे ही बात जाएगी ऑब्वियसली बात, बट उम्मीद है आज लग जाएगा, सो ब्लॉग शुरू हो ही जाएगा, वो तुम लोग कल के ब्लॉग में देख ही लोगे वाईफाई लगा नहीं लगा। तो अब ऑलमोस्ट दोपहर के दो बज चुके हैं, अब लोगों के पास दिखाने कुछ बचा, तुम लोगों के पास देखने कुछ बचा, तो इसी नोट पर करते हैं आज वीडियो को एंड। होप करता हूं तुमको आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कल भी मिलेंगे एक नई जिंदगी नए एक्सपीरियंस के साथ, टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू।